नमस्कार, मैं सत्य और आप देख रहे हैं चैनल द विवरण। बॉलीवुड के माने अमिताभ बच्चन और उनके बेटे अभिषेक बच्चन दोनों की कल कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। उनके बाद अनुपम खेर की मां और भाई समेत परिवार के 4 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। अनुपम खेर ने बताया कि कुछ दिनों से उनकी मां को भूख नहीं लग रही थी और बहुत ज्यादा सोती थी। उन्होंने इसका इलाज डॉक्टर से कराया तो डॉक्टर ने कुछ ब्लड टेस्ट कराने के लिए बोला। ब्लड टेस्ट एकदम नॉर्मल आए। उसके बाद उन्होंने सिटी स्कैन कराया जिसके अंदर कोरोना के लक्षण नजर आए। अनुपम खेर की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई, वहीं उनके भाई राजू की रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई। इसके बाद परिवार के अन्य सदस्यों ने भी अपनी कोरोना टेस्टिंग कराई। राजू जी की वाइफ की रिपोर्ट जहां पॉजिटिव आई है, वहीं उनके बेटे की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। इसके अलावा उनकी बेटी वृंदा की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। अनुपम खेर ने बताया कि उनकी मां का इलाज कोकिलाबेन हॉस्पिटल में चल रहा है और उन्होंने इसकी जानकारी बीएमसी को भी दे दी है। आपको बता दें कि सारी जानकारी अनुपम खेर ने इतवार की सुबह को ट्वीट करके दी। इस ट्वीट के साथ उन्होंने वीडियो भी शेयर किया था। आइए आपको दिखाते हैं वो वीडियो। नमस्कार दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से मेरी माँ, जिन्हें आप दुलारी के नाम से जानते हैं, उन्हें भूख नहीं लग रही थी, कुछ भी नहीं खा रही थी और सोती रहती थी। तो हमने डॉक्टर की सलाह पर उनका ब्लड टेस्ट करवाया जिसमें सब कुछ ठीक निकला। फिर डॉक्टर साहब ने कहा कि आप इनको सिटी स्कैन सेंटर ले जाइए और वहाँ पर इनका स्कैन करिए। तो हमने स्कैन करवाया जिसमें उनका कोविड पॉजिटिव माइल्डली निकला। तो जाहिर सी बात थी कि मैं और मेरा भाई उनके साथ थे, तो फिर मैंने भी अपना और राजू ने भी, मेरे भाई ने भी अपना सिटी स्कैन करवाया और जिसमें राजू माइल्डली पॉजिटिव निकले और मैं नेगेटिव था। फिर हमने उनकी फैमिली को भी बोला, मेरी भाभी रीमा, मेरी भतीजी वृंदा और मेरा जो भतीजा है प्रणित, उनका भी सिटी स्कैन करवाया जिसमें मेरी भाभी और मेरी भतीजी पॉजिटिव निकले माइल्डली और मेरा जो भतीजा है प्रणित वो नेगेटिव निकला। इसके बाद आई टुक माई मदर टू कोकिलाबेन हॉस्पिटल। दे वर वेरी ग्रेशियस एंड हेल्पफुल इनफ टू एडमिट माई मदर देयर एंड माई ब्रदर एंड हिज फैमिली हैज़ क्वारंटीन देमसेल्व्स इन देयर होम। मैंने बीएमसी को इन्फॉर्म कर दिया है एंड बीएमसी हैज़ बीन वर्किंग अमेजिंगली एफिशिएंटली। वो मेरे भाई के घर गए हैं, उनको अभी सैनिटाइज करेंगे और मेरा फ़र्ज था कि मैं आप सब लोगों को इन्फॉर्म करूं कि आपके घर में आपके किसी सदस्य को, खासकर आपके माता पिता को, अगर भूख नहीं लग रही है तो एक बार उनका टेस्ट करा लीजिए। बिकॉज हम बहुत देर तक ये सोचते रहे कि भूख क्यों नहीं लग रही है एंड डॉक्टर्स आर डूइंग अमेजिंग वर्क। मेरा कल प्रैक्टिकल रूप से डॉक्टर्स के साथ मेरा इंटरेक्शन हुआ एंड अमेजिंग, द मेडिकल स्टाफ इज़ डूइंग सच अमेजिंग वर्क। उनका जितना, उनकी जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। मैं आप सब लोगों को ये इन्फॉर्म करने के लिए मैंने वीडियो बनाया। आपकी दुआएं, आपका आशीर्वाद जल्द ही मेरे परिवार को ठीक करेगा और मेरी दुआएं और मेरा प्यार सब लोगों के साथ है जो इस बीमारी से ग्रस्त हैं। नमस्कार, थैंक यू। बात करते हैं बॉलीवुड से जुड़ी एक और खबर की। कुछ दिनों पहले हेमा मालिनी को कोरोना पॉजिटिव बताया जा रहा था। ये भी बोला जा रहा था कि उनका इलाज मुंबई के हॉस्पिटल में चल रहा है, लेकिन हाल ही में इन सबको नकारते हुए हेमा मालिनी ने अपने ट्विटर हैंडल पर वीडियो पोस्ट की। उन्होंने वीडियो पोस्ट करते हुए कहा कि वो एकदम स्वस्थ है और सभी सोशल मीडिया हैंडल्स पर चल रही खबर एकदम झूठी है। आइए आपको दिखाते हैं हेमा मालिनी के द्वारा ट्वीट करा गया वीडियो। राधे राधे, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं हॉस्पिटल में एडमिट हूँ, ऐसा कुछ न्यूज़ फैल रहा है हर जगह। लेकिन मेरे चाहने वाले सबको मैं ये कहना चाहती हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। आपकी कृपा से, भगवान श्री कृष्ण की कृपा से मैं एकदम ठीक हूँ। थैंक यू सो मच फॉर द कंसर्न। राधे राधे। बढ़ते अगली खबर की तरफ। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने एक बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि लड़कियों को ग्रेजुएशन की डिग्री के साथ साथ पासपोर्ट भी दिया जाएगा और इसकी सारी की सारी प्रक्रिया कॉलेज में ही पूरी की जाएगी। सीएम खट्टर द्वारा यह घोषणा हर सर हेलमेट कार्यक्रम में की गई, जिसके अंदर वो 100 विद्यार्थियों को लर्निंग लाइसेंस और मुफ्त हेलमेट दे रहे थे। कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। उस वीडियो के अंदर देखा जा सकता है
कि एक ऑटो रिक्शा वाले ने अपने ऑटो के अंदर वॉश बेसिन, सैनिटाइजर, गमले और डस्टबिन की सुविधा रखी हुई है। महिंद्रा महिंद्रा के चेयरमैन और इंडियन बिजनेसमैन आनंद महिंद्रा ने इस वीडियो को अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर शेयर किया। इस वीडियो को शेयर करते हुए उन्होंने ऑटो रिक्शा वाले की तारीफ करी और साथ ही साथ उन्होंने ये भी लिखा कि COVID-19 में स्वच्छ भारत अभियान को बहुत ज्यादा बढ़ावा मिला है। उनके इस ट्वीट को बहुत ज्यादा पसंद किया गया और बहुत ज्यादा रीट्वीट भी किया गया। इसके अलावा लोगों ने सलाह भी दी कि हर राज्य को ये तरीके अपनाने चाहिए जिससे भारत स्वच्छ भारत बन सके और गंदगी मुक्त हो सके। वीडियो देखने का आपका धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।